ललिता का रियल आशियाना दीपशिका सुनाएंगी अपने घर का फसाना। भाई रियल लाइफ में तो ललिता अपने पति गुड्डू संग उनकी हवेली में पूरे साज और श्रृंगार के साथ रहती है, अपने मेकअप और स्टाइल में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन रियल लाइफ में दीपशिका का अंदाज एकदम सीधा साधा है और अपने इस अंदाज को उन्होंने सास बहू और बेटियां के साथ शेयर किया। जब सास बहू और बेटियां उनके घर पहुंचा डे आउट करने, उन्होंने ना सिर्फ अपने घर की सैर कराई बल्कि इस घर के पीछे की कहानी भी बताई। हेलो, वेलकम वेलकम, हाय, वेलकम टू माय न्यू हाउस। आप सबसे पहले न्यूज चैनल है जिन्होंने आके मेरा घर कवर करेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल घर है मैम। थैंक यू। स्टार्ट रिव्यू यहीं से करते हैं। देखिए, दिस 14th फ्लोर पे सिर्फ मेरा अकेले का फ्लैट है बिकॉज यहाँ पे रिफ्यूज एरिया होता है। सो एंटायर फ्लोर पे मेरे अकेले का फ्लैट है। यू कैन सी दीपशिका नागपाल। और मुझे हमेशा से ये था कि 11 साल, एक तो पहली बार मैंने इस घर का इंतज़ार किया है, सो इट्स वर्थ इट। एंड जब आप कोई एंटर करता है मेरे घर पे तो एक वेलकम वाली जो फीलिंग आती है, सो आई हैव माय सेंसर लाइट। अगर आप रात को आओगे तो एकदम लाइट्स ऑन हो जाएगी तो आपको सब वेलकम वाली फील होगी। तो एंट्रेंस बहुत अच्छा था। जैसे हम किसी स्पा में, होटल में जाते हैं तो एंट्रेंस मैटर्स, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ लक, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो यू कैन सी आई मेड दिस दैट बैम्बू ट्री, सिटिंग एरिया वो आ जाएगा एंड ये सब पेंटिंग्स। तो अगर कोई मुझे मिलने आता है वो वेट भी कर रहा है, मैं घर में नहीं हूँ, सो दे कैन सिट हियर एंड वेट। सो दैट इज काइंड ऑफ वेलकमिंग माई गेस्ट एंड एवरी वन। एंड जब मेरे फ्रेंड्स होते हैं तो इट्स ऑल स्मोकिंग एरिया हियर, यू नो। एंड ये पूरा मुझे आई वॉन्टेड वेरी स्पैनिश एंड ग्रीस काइंड ऑफ अ लुक। तो फ्लावर वाला चीज़ था, मैं तो पूरा ब्लू करना, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है बिल्डिंग में, सो यू कांट चेंज द कलर। सो आई वांटेड दिस ब्लू एंड दिस इज द कैमरा, सो हियर कम्स इन माय हाउस, यू कैन सी इट्स फॉर द सेफ्टी। एंड दोनों लिफ्ट मेरे घर में आती है, सो इट्स माइन। आइए। एंड इट एंटायर हाउस आई हैव डिज़ाइन, ऑफकोर्स आई हायर्ड अ पर्सन, शांति भाई करके हैं हमारे, जो बहुत सालों से हमारे साथ। वो हमेशा बोलते हैं आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो आज शांति भाई मैं आपका नाम ले ही लूँगी, यू नो। सो एवरीथिंग आई ब्रोक, पूरा घर मैंने तोड़ दिया, बिल्डर का दिया हुआ कुछ भी नहीं है, तो पूरा वॉल से लेके सब कुछ मैंने तोड़ दिया। एंड तो सबसे पहले ये मैंने ग्रे टाइल्स डाली बिकॉज इट्स ए ह्यूज बिग हाउस, तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि घर एकदम कोजी लगना चाहिए। वाइट डालो तो एकदम क्रिकेट का मैदान लगेगा, बट यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन आप ग्रे डालो तो कोजी लगता है। सो दिस एंटायर थिंग, बॉम्बे में लोग जनरली ऐसा नहीं करते हैं, दे ऑलवेज हैव दिस बिकॉज उनके घर छोटे होते हैं। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस ब्लू वाइट एंड ग्रे थीम, तो मैंने ग्रे डाला। देन यू कैन सी द सोफाज ऑल ब्लू एंड वाइट, आई प्लेड विथ इट। सो ये नॉर्थ ईस्ट है, मैं वास्तु में मानती हूँ, तो माई हाउस इज ईस्ट वेस्ट एंट्री, सो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे मुझे मिरर चाहिए था। अब मिरर चाहिए था तो जब सब जगह बहुत टिपिकल होता है कि एक मिरर लगा दो, कंसोल लगा दो, सब कुछ कर दो, मुझे नहीं चाहिए था। आई जस्ट वॉन्टेड माई हाउस टू बी डिफरेंट। सो आई वॉज थिंकिंग, ये लॉकडाउन में सब काम किए मैंने, आई वॉज लकी कि मैं जनवरी में शिफ्ट हुई और बाद में लॉकडाउन है, मैंने अक्टूबर से काम शुरू करे, सो तो तोड़ा ताड़ी सब कर ली थी, सब सिविल वर्क हो गया था। सो बाकी जो बचा था वो इंटीरियर का था, तो वो तो मेरे साइड में जगह है, वहाँ काम होता रहता था। सो ये मैंने रिवर्स शुरू किया था, मेरे बेडरूम से किचन सबसे पहले बनाया और ये सब ऐसे कबाड़ा ही था थ्रू आउट लॉकडाउन। और फर्नीचर मैंने एक इटालियन शोरूम का क्लियरिंग सेल था, आई वेंट देयर एंड आई पिक्ड अप ऑल द फर्नीचर, मैं आपको बताऊंगी। सो ये धीरे 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 मैं ना ऐसे सोचती थी कि मैं क्या करूँ, सो आई वॉन्टेड मिरर हियर। तो वो जो टिपिकल काउंसल हो तो बहुत ही सबके घर में होता है, तो हमने आइडिया लगाया, ऑफकोर्स मेरे बच्चों ने, हम सब बैठ के डिस्कस करते हैं। सो हमने ऐसे लाइट लगाया एंड वी डिड दिस 3 लाइट्स, सो यू कैन सी इट लुक्स लाइक 6 लाइट्स। सो एंड द हॉल लुक्स बिग एंड एवरीथिंग, सो माई पर्पज वॉज डन।
इट्स नॉर्थ ईस्ट, सो वाटर इज हियर, भगवान जी इज हियर, इट्स अ नाइस वे. एंड दीज आर माई एंजल विंग्स, यू कॉन्ट मिस दिस, माई इट इज अ गिफ्ट फॉर मी एंड एंजल विंग्स, आई बिलीव इन एंजल्स. सो ये मेरे फ्रेंड आशीष ने मुझे गिफ्ट किया है, तो जो मैंने यहाँ रखा है, दिस इज ऑल्सो एंजल थिंग. दिस ट्री आई गॉट इट फ्रॉम ऑस्ट्रिया, यहाँ भी मिलता होगा आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया था. इट ऑल्सो हैज अ लाइट, नाइट में इट्स लाइक दिस और दिन में वो ऐसे लगता है. सो मुझे घर क्रिसमस की तरह मेरा घर हमेशा सजा सजा रहता है. सो दिस इज इट. देन ये डाइनिंग एरिया मैंने बनाया. मुझे टिपिकल डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए था, बिकॉज हम लोग तीन लोग हैं और कोई डाइनिंग पे खिलाने की याद. अब तो ये जैसे ग्रैंड ममा कैफे और फेबल और ऐसी जब जो चीज़ें, ग्रीस हैज़ अ लॉट ऑफ वाइट एंड दिस फीलिंग, तो आई मेड दिस थिंग. और ये लॉकडाउन में सारे मिरर मैंने पेंट किए, सो आई प्लेड विद द कलर. पूरा टाइम पास था मेरे पास, टाइम ही टाइम था करने के लिए. सो ये पूरा कॉर्नर मैंने कोजी कॉर्नर बना लिया, जैसे यू कैन ईट एंड सिट एंड एवरीथिंग व्हेन वी हैव अ बालकनी हियर. एंड दिस लाइट्स इज अ नाउ, तो ये मैंने सिलेक्ट किया. इट दिन में पेंटिंग लगती है और रात को यू कैन यूज इट एज अ, देयर आर थ्री लाइट, वाइट, नॉर्मल. सो आई प्लेड लाइक दिस विद द लाइट्स. एंड ये हमारी रिंग लाइट के बगैर कुछ चलता नहीं है, एंड मेरे बच्चे कहीं भी रख देते हैं, सॉरी हमारे. यू नो व्हाट, दिस चेयर आई रियली लव्ड इट, मेरे बच्चों को नहीं पसंद आई थी. एंड मैं ना इन चेयर्स को वहाँ रख रही थी और वाइट सोफा यहाँ रख रही थी, तो हम लोग इधर उधर करते रहते हैं. दिस इज काइंड ऑफ माई रिलेशनशिप एरिया. सो कोइंसिडेंटली इट हैपेंड, दो चेयर यहाँ आ गई एंड यू कैन सी द स्वैन अगेन सिम्बल्स कपल. एंड राधा कृष्ण की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो ये मैंने राधा कृष्ण पेंटिंग ऑर्डर की. इज नॉट टिपिकल, सिक्स पीसेस इसको ज्वाइन करके आई ऑर्डर्ड वॉट एवर आई कुड डू इट. सो इट हैज़ इज होन एथनिक थिंग. अगर आप घर में घुसोगे तो माई हाउस इज़ अ वेरी न्यूयॉर्क स्पेन वाइब, बट वो कॉर्नर लुक्स जैसे आप कॉरिडोर में वेटिंग एरिया होता है ना, सो इट लुक्स लाइक दैट. And all my friends comes, they love that chair. मैं resist ही नहीं कर पाई तो मैंने सब उठा लिया. So this is my hall, that's my dining. Now ये bedroom था, ये चार bedroom का flat है, so it's typical four bedroom flat. तो मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ से और इसको से अंदर कर दिया, and इसको मैंने TV room बना दिया. And TV room हमारा ये lounge जैसा है, because मेरी lifestyle ऐसी है, I like to call people in my house, party करो, ये करो, तो मुझे वो प्रिवेसी भी चाहिए होती है. एंड चीज़, दिस इज़ माय स्मॉल लिटिल बार, ये मेरा बार है और ये बार पे मैंने लाइट्स की है. सी इट्स एम्बियंस वी हैव टू क्रिएट, तो यहाँ पे मैंने वॉल करा के, इट्स वेरी रेट्रो लुक. या ये मैंने लिटरली ओशिरा मार्केट में जाके मास्क पहन के ढूंढ के ये सब विंटेज लेके आए फ्रेम. एंड इसको वो ब्रिक वॉल करके हम लोग ने बहुत वो वॉल वेरी रेट्रो बार काइंड ऑफ अ थिंग वी मेड, सो यू हैव दिस फील. अगर कोई गेस्ट आता है तो ये सोफ़ा कम बेड खुल जाता है, सो यू दे कैन स्टे. इसके लिए भी हमारे बच्चों के हमारी बहुत झगड़े हुए थे, वाई डू यू नीड दिस, ऐसे अब आप बड़े होकर कोई आ जाएगा तो चाहिए. एंड दिस बिकम्स अ लाउंज लाइक दिस, इसको आप बंद कर लो तो ये पूरा रूम बन जाता है. तो अगर आप पार्टी कर रहे हो या एसी ऑन करो, प्रिवेसी है आपको, थिएटर थिएटर वाली फीलिंग आ जाती है. यू शट दिस थिंग एंड इट बिकम्स अ थिएटर, ये पूरा से बंद हो जाता है, तो उसको प्रिवेसी भी होती है. आप सब जाके मेरा घर कॉपी करेंगे. मेहनत सारी मैंने, हमारी बिल्डिंग में भी ऐसा होता है, हमारे जो सुपरवाइजर है सबको लेके आ जाते हैं, देखो दीपशिका जी ने कैसा घर बनाया. सो सब सी इट्स अ कोई कॉपी करना. देन यहाँ पे वॉल थी, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट करना होता है. जैसे आप ब्रिक है तो ब्रिक टू मच हो जाएगा, तो जस्ट टू ब्रेक दैट मैंने आप प्लेन किया, ये गोल्ड शीन करता है. और इसके ऊपर आई प्लेड लॉट ऑफ लाइट्स. रात को देखो हमारे LED लाइट है ऊपर पूरी. सो हम लोग जब पार्टी करते हैं तो पूरा डिस्को वाला फीलिंग आ जाता है. एंड पब में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉकडाउन में वैसे भी मैं कहीं नहीं पसंद करती. सो
यू पुट दिस पुरानी फिल्म के पोस्टर, स्टिल टू पोस्टर्स आई एम लुकिंग फॉर जो मैं यहाँ लगाऊंगी. सो पूरा एम्बियंस ऐसे क्रिएट होता है, दैट्स वाई एवरीबडी लाइक्स टू पार्टी इन माई हाउस. और ये हमारा टीवी भी ऑन ही कर देती हूँ. सो दिस इज पूरा क्रॉकरी थिंग अभी तो सब. सो जो जैसी लाइफ स्टाइल होती है वैसे बनाए, ऐसे नहीं है कि ये जगह है तो आप इसको ऐसे ही बनाओ और वो करो. सो दिस इज़ हाउ, जब मेरे बच्चे पार्टी करते तो ये अपना उनका एक प्राइवेसी हो जाती है. जिनको पार्टी करनी है यहाँ करेगा, जिनको डिनर करना है वहाँ करेगा, जिनको बातें करनी है वो हॉल में जाके बातें करेगा. सो इट्स एवरीथिंग इन वन प्लेस. सो दैट्स आई सेड दीपशिका'स लाउंज, यू नो. तो ये बिकॉज इट्स अ वेरी चिल आउट रूम. सो जब हम फिल्म देखते हैं तो मेरे दोनों बच्चे सब यहाँ बैठ जाते हैं, तो ये बहुत कम्फर्टेबल चेयर है. सो टू वॉच द मूवी, दिस इज द कम्फर्ट लेवल, यू कैन सिट एंड वॉच. एंड ये जब मैं घर में होती हूँ तो मैं यही करती हूँ, टी वी देखती हूँ, फिल्म देखती हूँ, ये सब करती हूँ. और ये मेरा बार स्टूल है. अगेन यू नो यू हैव द फीलिंग ऑफ यू आर इन द लाउंज एंड हैविंग बार एंड सर्विंग, सो आई एम ऑलवेज अ बारटेंडर हियर. और ये सब मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया. ये मैं वहाँ पर गई थी वेगस, वहाँ से उठा के लेके आई हूँ. सो मेरे पास ग्लास का कनेक्शन और ये सब कुछ बहुत है. आई लाइक टू डू ऐसा, मेरा एक फील होती है, मेरा मन करता तो मैं बहुत बड़ा बार बना. सो दिस इज़ माई होम थिएटर एंड आई लाइक टू वॉच मूवीज, नेटफ्लिक्स एंड ऑल. सो दिस इज़ आर चिल जोन एंड दिस इज़ माई बेबी एस्ट्रो जो आपके पीछे 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 आएगा. से हेलो गुंडू. इज वेरी पॉजिटिव, हमारे जो हम करेंगे उसको करना होता है. भाई ये तो है दीपशिका नागपाल के घर का एक छोटा सा कोना. अभी तो इनके घर की सैर करनी और भी बाकी है, क्योंकि मुंबई में इनका घर है 4 BHK का और इन्होंने अपने आलिशान घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो.